नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। छुई बातों की कंडी और फसक का फंचा उठाए हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। भोले की नगरी में चुनाव होने को है, केदारनाथ में चुनावी कौथिक सजने लगा है, लेकिन असल चुनाव से पहले चुनाव होना है प्रत्याशियों का, जिसके लिए इन दिनों जमकर घपरोल मचा हुआ है। इसी बीच भोले की ही दूसरी नगरी यानी काशी से प्रधानमंत्री का बयान आया है कि परिवारवाद खत्म करने के लिए वो राजनीति में 1,00,000 नौजवानों को लाएंगे। परिवारवाद का आरोप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगाते हुए उन्होंने कहा है कि वंशवादी राजनीति से सबसे ज़्यादा नुकसान युवाओं को ही हुआ है, इसलिए वो ऐसे युवाओं को राजनीति में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। अब काशी से दिया गया ये ताज़ा संदेश केदारनाथ पहुंचकर भाजपा की प्रबल दावेदार ऐश्वर्या रावत के लिए मुसीबत बन सकता है, जिनकी दावेदारी का मुख्य आधार ही ये है कि वो दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की पुत्री हैं। वैसे वंशवाद पर ऐसे बयान समय समय पर आते ही रहते हैं, और दूसरी तरफ अपनी संततियों को ऊपर चढ़ाने के लिए क्या कांग्रेस क्या भाजपा, सभी नेता खूब ताड़ी मारते हैं। विशेष तौर से उपचुनाव में तो एक परंपरा ही बन गई है कि दिवंगत विधायक के परिवार वाले को ही पार्टियां टिकट सौंपती हैं, और जनता में एक सहानुभूति का भाव भी होता है जिसके चलते ऐसे प्रत्याशी चुनाव जीतते भी हैं। लेकिन केदारनाथ के समीकरण फिलहाल इतने मज़ेदार बन पड़े हैं कि चुगलैरों की मौज आई हुई है, और छुयालों की स्थिति तो नेगीदा के गीत जैसी हो गई है कि द्वी उंगल की गिची और जीभ डेढ़ हाथ की। तो केदारनाथ के इन समीकरणों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कांग्रेस की स्थिति यहाँ भी वैसी ही है जैसी देश के अन्य राज्यों में, यानी सूत न कपास और जुलाहों में लठम लठ। कांग्रेस की तरफ से यूँ तो 13 नामों की एक सूची दिखाई जा रही है कि टिकट लौंफियाने के लिए बल भारी मार कुटाई वाली स्थिति है, लेकिन इस सूची को अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि इनमें ज़्यादातर नाम ऐसे हैं जिनके लिए गढ़वाली में पखाना है, बल इना बढ़िया जोमा सौंपना धनिया। लेकिन कांग्रेस से पहले बात करते हैं भाजपा की, जिसके पक्ष में संसाधन भी हैं और आंकड़े भी। भाजपा के लिए ये उपचुनाव अब नाक का सवाल भी बन गया है। प्रदेश में हुए 2 उपचुनाव भाजपा पहले ही हार चुकी है। मंगलौर और बद्रीनाथ की हार तो फिर भी इस तर्क के साथ डिफेंड हो गई कि ये दोनों सीटें पहले भी भाजपा के पास नहीं थी, इसलिए तमाम दागी बागी अभागी निर्भागियों को वॉशिंग मशीन में कुचियाकर निकालने पर भी सफेदी की चमकार अगर चुनाव नहीं जिता सकी तो भी पार्टी की सीटें उतनी ही रही जितनी पहले थी। लेकिन केदारनाथ सीट में ये तर्क भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये उनकी जीती हुई सीट है। ऊपर से इस सीट का नतीजा सीधा सीधा अयोध्या और बद्रीनाथ वाले नैरेटिव से जुड़ता है। भगवान राम और विष्णु भगवान की भूमि के बाद अगर भोलेनाथ की भूमि ने भी भाजपा को नकार दिया तो दुनिया कहेगी ही कि ले खाले अब खमाचा। इसलिए भाजपा इस सीट पर पूरा जोर लगा रही है, और 5-5 मंत्रियों को ये सीट बचाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो वो काफ़ी हद तक भाजपा के पक्ष में भी हैं। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत के अनुसार पिछले चुनावों में इस सीट पर हुए कुल मतदान का 71% हासिल करने वाले अब भाजपा शरणम हो चुके हैं। एक तरह से देखें तो कांग्रेस के मनोज रावत के अलावा पिछले चुनावों के तमाम प्रत्याशी अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम कुलदीप रावत का है, जिन्होंने निर्दलीय रहते हुए भी पिछले 2 चुनावों में जीतने वाले प्रत्याशी को सबसे मजबूत टक्कर दी थी। पिछले दोनों चुनावों में कुलदीप रावत दूसरे नंबर पर रहे, और उन्होंने एक बार भाजपा को तो एक बार कांग्रेस को यहाँ कभी तीसरे और कभी चौथे नंबर तक ठेल दिया था। इस बार वो खुद भाजपा में शामिल हो चुके हैं और टिकट की दावेदारी भी पूरी मजबूती के साथ कर रहे हैं। हालांकि उन्हें टिकट देने की वैसी बाध्यता भाजपा में नहीं है जैसी बद्रीनाथ सीट पर थी, क्योंकि वहां तो विधायक जी लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से पलायन ही इस शर्त पर करके गए थे कि भाजपा उन्हें उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन बद्रीनाथ में हार के बाद भाजपा को ये भी समझ आ रहा है कि वॉशिंग मशीन से निकाल कर तुरंत किसी को चुनाव में उतारने से अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की जुकड़ी में जो डाम लगता है उसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। लेकिन कुलदीप रावत के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें अगर भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो तब भी वो चुनाव लड़ेंगे, और पिछले चुनावों की तरह ही इस बार भी निर्दलीय होते हुए भी ज़बरदस्त टक्कर देने की स्थिति में होंगे। अब उनका निर्दलीय उतरना भाजपा के लिए मुसीबत बनेगा या कांग्रेस के लिए, यही नपा तुला एनालिसिस भाजपा को करना है, और जानकार मान रहे हैं कि कृपा बस यहीं अटकी हुई है। तो केदारनाथ का चुनावी समोसा हरी चटनी के साथ खाना है या लाल के साथ, भाजपा फिलहाल इसी बात को बकिया से पुछाई करवा रही है। कुलदीप रावत की तरह ही पिछली बार आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े सुमन तिवाड़ी भी इस बार भाजपा में शामिल हो चुके हैं, हालांकि उन्होंने इस बार दावेदारी नहीं की है। भला आदिम आखिर दावेदारी करते भी कैसे, क्योंकि वो तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के एक विधायक प्रत्याशी थे
जबकि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल भी अब भाजपा में आ चुके हैं और उन्होंने भी केदारनाथ से दावेदारी का छुर्रा छोड़ दिया है। अब जहां सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा रहे नेताजी दावेदारी कर रहे हों, वहां विधायक प्रत्याशी की क्या ही विसात। लेकिन पिछली बार करीब 4700 वोट पाने वाले सुमन तिवारी का भाजपा में चले जाना आंकड़ों के मामले में भाजपा को मजबूत तो करता ही है। उन्हीं की तरह देवेश नौटियाल भी हैं, जो पिछली बार इस सीट से निर्दलीय लड़े थे, लेकिन इस बार वो भी भाजपा ही हो चुके हैं। इस तरह पिछले चुनावों में कुल 71% वोट पाने वाले अलग अलग प्रत्याशियों के लिए अब सब भी धाणी भाजपा हो चुका है। लेकिन समस्या ये है कि पार्टी की स्थिति अब एक गांव और नौ प्रधान वाली हो गई है। दावेदारों की सूची में एक और मजबूत नाम ऐश्वर्या रावत का है, जिनके पक्ष में वो परंपरा है कि उपचुनावों में दिवंगत नेता के परिवार को ही उस सीट का उत्तराधिकारी मान लिया जाता है। ऐश्वर्या रावत पूरे क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रही हैं। अपने नाम के साथ उन्होंने शैल पुत्री जोड़ लिया है। हाल ही में एक कार्यक्रम का आयोजन करवा चुकी हैं, जिसमें भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे, और एक पोस्टर भी रिलीज कर चुकी हैं जिसमें लिखा है केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में ऐश्वर्या रावत नंबर वन। पोस्टर में वैसे ये बताया गया है कि इस विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कितने नए सदस्य बनवाए हैं और भाजपा के अन्य नेताओं ने कितने। लेकिन खुद को नंबर वन और आशा नौटियाल व चंडी प्रसाद भट्ट को 2 और 3 नंबर आवंटित करता हुआ ये पोस्टर पहली नजर में ही ये संदेश देता है कि इसके चुनावी मायने क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले भाजपा के इस सदस्यता अभियान को भी जरा घचोर कर देख लेते हैं। इसके लिए आप ये खबर देखिए जो गुजरात से है। वहाँ एक अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए आए 350 लोगों को रात को घचका घचका के उठाया गया और उनसे उनका मोबाइल नंबर और उस पर आया OTP मांगा गया। ताज़ी ऑपरेशन हुई आंखों से। इसके बाद जो पहला मैसेज इन लोगों ने मोबाइल पर पढ़ा, उसमें लिखा था, बल बधाई हो, अब आप भाजपा के सदस्य बन चुके हैं। इन्हीं में से एक मरीज ने इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, तो भाजपा के नेताओं को बयान देने पड़े कि मामले की जांच करवाई जाएगी। अब उत्तराखंड में सदस्यता अभियान का ऐसा कोई वीडियो तो फिलहाल नहीं आया है, फिर भी प्रदेश बल टॉप 6 राज्यों में रहा है। मतलब ये सदस्यता हासिल करवाने के टॉप 6 राज्यों में अपना उत्तराखंड भी है। यहाँ कई विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे भी हैं जहाँ इतने सदस्य बन चुके हैं जितने पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट भी नहीं पड़े थे। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए भाजपा को फंचा भर भर बधाई। बहरहाल वापस लौटते हैं ऐश्वर्या रावत पर, जिन्होंने सदस्यता अभियान में फर्स्ट आने वाले पोस्टर की ही तरह कुलदीप रावत के साथ हुई एक भेंट की तस्वीर भी जारी की है और लिखा है कि उपचुनाव के संबंध में सार्थक चर्चा हुई। अब फसकबाज मान रहे हैं कि दोनों दावेदारों के मिलने और चर्चा करने की ये तस्वीर इस आशय से जारी की गई ताकि तीसरे और चौथे दावेदारों को एक संदेश दिया जा सके कि पहले और दूसरे दावेदार तो एकजुट एकमुठ दिखाई देते हैं। बहरहाल केदारनाथ में भाजपा की एक अन्य दावेदार हैं आशा नौटियाल, जो पहले भी विधायक रह चुकी हैं और अभी भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। उनके लिए तो ये चुनाव राजनीतिक जीवन में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उनके लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति बन पड़ी है। चुनावों में जातिगत समीकरण भी एक अहम पैमाना होता है जिसे हर पार्टी साधने की कोशिश करती ही है। ऐसे में तमाम क्षत्रिय प्रत्याशियों के बीच आशा नौटियाल का ब्राह्मण होना भी एक डिसाइडिंग फैक्टर माना जा रहा है, जो उनके पक्ष में भी जा सकता है और उनके खिलाफ भी। भाजपा में दावेदारों की सूची यहीं खत्म नहीं होती। केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम करवाने वाले कर्नल अजय कोठियाल भी यहां से दावेदारी कर रहे हैं और अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए बता रहे हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र के कई युवाओं को फौज में या अन्य जगह नौकरी पर लगवाया है, इस क्षेत्र में काम करवाया है, इसलिए उनकी दावेदारी भी बनती है। फिर कुछ लोग पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक का भी नाम दावेदारी की सूची में जोड़ रहे हैं। 29 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है, तो उससे पहले पार्टी प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो ही जाएंगे। लेकिन चुनावी चूड़े बुखड़े चबाने में छुयालों को जो रौस आती है, उसका मजा फिलहाल प्रदेशवासी ले रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की, जो हर बार सोचती तो है कि उसके पक्ष में माहौल बन रहा है, लेकिन चिताती तब है जब खड़बच्च हो जाती है, जैसे कि हरियाणा में हुई। हालांकि प्रदेश में हुई पिछले 2 उपचुनावों की जीत कांग्रेस को आत्मविश्वास दे रही है और मुद्दे भी उनके पास कई हैं, लेकिन गुटबाजी इतनी ज़्यादा है कि प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं आगरा तो कार्यकर्ता सुनते हैं घाघरा। ये गुटबाजी चुनावों में तो असर डालती ही है, उससे पहले प्रत्याशी चयन में भी साफ नजर आती है। फिलहाल गणेश गोदियाल को उपचुनाव में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनकी स्वीकार्यता पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ी है। पार्टी के चुगलैर बता रहे हैं कि उन्हीं की चली तो टिकट मनोज रावत को मिल जाएगा, जो 2017 का वो चुनाव जीतने में भी कामयाब रहे थे, जिस चुनाव में कांग्रेस के तमाम नेता मोदी लहर आने से ऐसे उड़े थे जैसे बथों में पराल उड़ती है।
मनोज रावत के अलावा हरक सिंह रावत का नाम भी संभावित प्रत्याशियों में लिया जा रहा है, जो फिलहाल कांग्रेस के लिए वी छोर लस से ई छोर ढस हो रखे हैं। लेकिन ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का दबाव उन्हें फिर से वी छोर ढस से न सरका दे, कोई नहीं जानता। ऐसे में फिलहाल मनोज रावत की ही दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। उनके पक्ष में एक बात यह भी है कि उत्तराखंड विधानसभा में जब भू कानूनों को पतला किया जा रहा था तो एकमात्र विधायक वही थे जिन्होंने इसका जमकर विरोध किया था। इसके अलावा वो भू कानूनों पर एक प्राइवेट मेंबर बिल भी विधानसभा में लेकर आए थे। लेकिन चुनावी राजनीति में कई अन्य तरह के गणित भी काम करते हैं। पढ़ा लिखा होना या मुद्दों की गंभीरता से समझ होने से ज़्यादा जनता के बीच लोकप्रिय होना ज़्यादा बड़ा फैक्टर माना जाता है। इस पैमाने में वो भाजपा के नेताओं के आगे 19 नजर आते हैं। इसलिए कांग्रेस का टिकट उन्हें अगर मिल भी जाता है तो भी उनके लिए चुनाव जीत पाना कोई बहुत आसान खेल तो नहीं होने वाला। ऊपर से कांग्रेस के कुकर्मों की भी एक लंबी फहरिस्त है जिसका बोझ उन्हें ही ढोना है। अब अगर जनता भाजपा के ताजे ताजे कुकर्मों के चलते कांग्रेस के थोड़े बासी हो चुके कुकर्मों को भुला दे तो उनका खेल बन सकता है। बड़ी पार्टियों से इतर पत्रकार त्रिभुवन चौहान भी इस उपचुनाव में हैं और स्वाभाविक ही कुछ अन्य प्रत्याशी भी अंत समय तक मैदान में उतर आएंगे या उतार दिए जाएंगे, किसी का खेल बनाने के लिए और किसी का खेल बिगाड़ने के लिए। फिलहाल मुद्दों की बात करें तो केदारनाथ में कई मुद्दे ऐसे हैं जो चुनावी गणित के लिहाज से भी अहम हो सकते हैं। केदारनाथ मास्टर प्लान से स्थानीय लोगों को हुई समस्याएं हो या फिर अतिक्रमण हटाने के नाम पर स्थानीय लोगों की दुकानों का टूटना हो, ये तमाम मुद्दे एक वर्ग के लिए बेहद अहम होंगे। हालांकि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन ये कार्रवाई हमेशा ही वोट बैंक को देखकर की जाती है। जैसे देहरादून की बस्तियों को ही देखिए जहां हजारों लोग रहते हैं। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, किसी ने भी इन बस्तियों को हटाने के प्रयास नहीं किए क्योंकि इनमें एक संगठित वोट बैंक बसता है। लेकिन केदारनाथ या बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के नाम पर असली भूमिधरों को भी उचित मुआवजा दिए बिना ही आसानी से हटा दिया जाता है। ऐसा ही एक मुद्दा केदारनाथ मंदिर के दिल्ली में बनने का भी है, जिसका पहले तो अपने धामी जी खुद ही शिलान्यास कर आए थे, बल्कि केदारनाथ से एक शिला ले जाने की भी बात सामने आई थी। लेकिन जब ये दांव उल्टा पड़ने लगा तो उन्होंने बयान दिया कि दुनिया में कहीं कोई दूसरा केदारनाथ हो ही नहीं सकता। धामी जी के लिए ये उपचुनाव काफ़ी अहम होने वाला है क्योंकि ये उनकी नेतृत्व क्षमता का भी परीक्षण होगा। उनके नेतृत्व में भाजपा पहले ही 2 उपचुनाव हार चुकी है। अब अगर तीसरी बार भी मवासी घाम लग गई तो हाईकमान को जवाब देना बहुत भारी पड़ सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं प्रदेश की कुछ अन्य खबरों की तरफ। हमारे नेता और अखबार जब त्योहारों और चुनावी त्योहारों में व्यस्त हैं, इस बीच प्रदेश के सैकड़ों युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इनमें वो तमाम युवा भी हैं जिन्हें एक महीना पहले हमारी सरकार ने नियुक्ति पत्र तो थमा दिए थे, लेकिन अब विभाग ज्वाइनिंग नहीं दे रहा। ग्रामीण निर्माण विभाग में चयनित हुए युवाओं को नियुक्ति न मिलने की खबर हमने पिछले एक्स्ट्रा कवर में भी दिखाई थी। बीते हफ्ते इनमें से कई युवाओं को नियुक्ति मिली, लेकिन दर्जनों युवा आज भी नियुक्ति के इंतजार में हैं। ऐसी ही स्थिति स्नातक स्तरीय परीक्षा वाले अभ्यर्थियों की भी है, जो बीते एक साल से फाइनल रिजल्ट का इंतजार ही कर रहे हैं। ध्यान रहे कि ये वही युवा हैं जिनके आंकड़े तो सरकार अपनी उपलब्धि की तरह बताती है कि हमने इतनी नौकरियों के लिए परीक्षा करवा ली है या इतनों को नियुक्ति दे दी है, जबकि असलियत ये है कि सालों साल से यही युवा नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। उन युवाओं की व्यथा तो और भी अलग है जो नियमितीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी जीत आए हैं, लेकिन सरकार अब भी जकमक है कि उनका आखिर किया क्या जाए। उपनल के माध्यम से नौकरियों पर लगे इन हजारों लोगों को बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली, जब कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए इन्हें नियमित किए जाने का आदेश दिया। लेकिन सरकार एक तरफ तो बयान दे रही है कि हम ऐसे लोगों को नियमित करने के लिए नीति बना रहे हैं, और दूसरी तरफ कोर्ट का आदेश आने के बाद भी इन लोगों को नियमित करने में सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं। बीते हफ्ते एक खबर करोड़ों के उस घोटाले से जुड़ी हुई भी आई, जिस पर अभी तक भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अमर उजाला की एक खबर के अनुसार ITDA यानी सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी में 6000 से ज़्यादा स्मार्टफोनों की खरीद में बड़ा घोटाला किया गया। 64GB मेमोरी कार्ड वाले फ़ोन खरीदे जाने थे, जबकि 32GB वाले खरीदे गए, और इस तरह से प्रति मोबाइल फ़ोन 2000 रुपये की दर से ठेकेदार को खरीद में 25 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा करवाया गया। अखबार की खबर के अनुसार ये मामला पिछले साल के ऑडिट में ही पकड़ा जा चुका था, लेकिन इस पर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुर्भाग्य ये है कि घोटाले की ये खबर अखबार के भीतरी पन्नों के कोने में कहीं दबकर रह जाती है, जबकि उसके पहले दूसरे पन्नों पर विज्ञापन छपते हैं कि धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भौंकुच फड़का दिया है।
तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके साथ ही बारहमासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमनिया पहलाग नमस्कार।